तो दिल्ली ने कह दिया लगे रहो केजरीवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं फेस टू फेस में आज बात होगी दिल्ली के चुनावी नतीजों की, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहां बीजेपी के दावे फेल हो गए, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिलों पर राज तो हमारा था साहब, कैसे वोट आपको मिल जाता। दो मेहमान आमने सामने जो आज होने वाले हैं, बीजेपी से अनिल गोयल साहब हैं और आम आदमी पार्टी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी होंगे। आप दोनों का स्वागत है। आप चर्चा करें, बहस करें कि कहां कमी रह गई, आपने कहां गलत किया, आप कहां जनता को भुना नहीं पाए, समझा नहीं पाए। उससे पहले एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली में जश्न का माहौल। दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेगी आम आदमी पार्टी, अब यहां से पूरी भारत में पार्टी फैलेगी ये जीतने के बाद। पांच साल में काम करके दिखाए हैं, मुश्किल से 30% की पावर है अरविंद जी के पास। जितने बेहतर एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, बिजली पानी पे किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले पांच साल में वो एक इतिहास रचेंगे काम के आधार पे। ये हमारा हैट्रिक हो रहा है इस बारी और 70 की 70 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, अभी हमारी 56 हो गई है और घटेगी और हमारी बढ़ेगी। मैम 70 साल में ऐसा पहली बार किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा किया, अगर काम किया हो तो वोट करना नहीं बनना वोट मत करना। आप 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने एक बोला था, अगर काम किया तो वोट करना बनना वोट मत करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री है, 70 साल आजादी के बाद हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, हमने देखा है बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 70 साल आजादी के बाद पहला राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने काम के नाम पे वोट मांगा है। आज दिल्ली मॉडल पहली ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि अब फालतू की लफबाजी से चुनाव नहीं होंगे, जमीन पर काम करना होगा और जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा। ये दिल्ली के दिल पर राज करने का नतीजा है। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की नब्ज को टटोलने का उत्साह है, ये भरोसा है काम का, ये विश्वास है आपका। तस्वीरें जश्न की हैं, मौका बना एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए जश्न मनाने का। दिल्ली में लोगों के दिलों में आप ही थे, शायद विपक्षियों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा। नतीजों से पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा था तो दूसरी तरफ आपके कार्यालय को सजाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हम खड़े हैं। पहले हम सिक्योरिटी की बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और पूरी तरह से जो है यहाँ पे सुरक्षित माहौल बनाया गया। जब भरोसा बातों से ज्यादा काम पर होता है तो नतीजा भी शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसा होता है। आम पर विश्वास जनता का साथ हौसला देता है जीत का। जीत को लेकर निश्चिंत हैं क्योंकि पिछले 5 साल में काम किया है और 5 साल बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के उठ के लोगों के लिए काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया है और विशेषकर शिक्षा पे जो काम हुआ है, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के लोगों ने शिक्षा के उस काम पर मोहर लगाई। आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी 2013 से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। दिल्ली में 2013 में 28 सीटें पाने वाली आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है। 2013 में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया। ये सरकार 49 दिनों तक ही चल पाई जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की बदौलत 5 साल तक सत्ता में काबिज होने का रास्ता तैयार किया और 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत मिला। 67 सीटों के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए केजरीवाल। 5 साल आम की बात करने वाली पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से, इस नारे पर जनता का समर्थन मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आम आदमी पार्टी जीत गई, आम आदमी पार्टी ने काम किया, जनता ने उस पर मोहर लगाई, बीजेपी ने भी लड़ाई लड़ी, मैदान छोड़ा नहीं। लेकिन बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की करें, कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस है कहाँ। खबर ये कि कांग्रेस 70 में से 68 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है। 68 सीटों पर कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाई। 2015 में 0, 2020 में 0,
ये एक बड़ी पार्टी का हार है, हाल है दिल्ली में, क्योंकि हार पर हार नसीब हो रही है। चलिए हम फेस टू फेस का रुख करते हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अनिल गोयल जी, थोड़ा सा कमी चूक रही, कहीं बैड लक इसको कहिएगा या फिर कुछ और। मैं शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं गोयल साहब, क्योंकि जिस तरह से प्रचार में जो दम भरा गया, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हुई, जाहिर सी बात है निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव ने मौका भी दिया था कुछ बोलने का, कुछ कहने का, क्योंकि 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, नगर निगम में बीजेपी का कब्जा, और शायद बीजेपी को लगने लगा हो कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही नतीजे आएंगे। पंकज जी, कुछ भी कहें या ठीक है कि हम सीटों के मामले में पीछे रह गए हैं, हमें जितनी सीट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, हमारी जनता ने जो हमें वोट दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई, हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा है। और देखो, आज वो सीटों के समीकरण को देखा जाए ना देखा जाए, तो जो आज केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं कि वो उनके काम को देखें, लेकिन उनका वोट परसेंटेज घटा है। अगर उनका काम जनता स्वीकार करती है तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। और आज हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम ईवीएम पर दोष नहीं दे रहे हैं। अगर आज परिणाम उल्टा होता तो ये सब लोग ईवीएम पर दोष देते कि ईवीएम खराब है, ये लोकतंत्र पर उंगली उठाते। ये वो लोग हैं जो निश्चित तौर पर, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक है, देश हित के जितने काम है उस पर उंगली उठाने वाले लोग हैं। आज ठीक है कि ये झूठ, पब्लिक को झूठ बोल करके, पब्लिक को बहका करके ये द्वारा सत्ता में आ गए, लेकिन जहां अभी मनीष सिसोदिया जी बहुत हारते हारते जीते हैं ये आपको बताए, और जो शिक्षा के ऊपर इतनी बात कह रहे हैं, शिक्षा के ऊपर मैं एक बात क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेरे भाई सामने बैठे हुए हैं, ये कहते हमने 20,000 कमरे बनाए, मैं कहता हूं क्या 20,000 अध्यापक उसमें रखे? आप कमरे बनाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बनाएंगे, अध्यापक आपने एक भी नहीं रखा, कच्चे अध्यापक आपने पूरे नहीं करे। निश्चित तौर पर जो पिछले भी झूठे वायदे करे थे और आज भी झूठे वायदे करके ये सत्ता में आए हैं, और ठीक है कि जनता को ये बहकाने में कामयाब हो गए, जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जनता को बहकाने में कामयाब हो गए जी। मैं जनादेश पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं जनादेश का सम्मान कर रहा हूं पंकज जी, लेकिन ये बहकाने में कामयाब हो गए और हम हकीकत बताने में कामयाब नहीं हो पाए, हमारी इसमें फेलियर है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, रमेश मोहन श्रीवास्तव को बधाई देता हूं। सर आपके श्रीवास्तव जी, जब खुद जीते तो बल्ले बल्ले ठीक है, जब दूसरे जीत गए, दूसरी पार्टी जीत गई, हार हो गई, तो जैसे यहाँ पर अनिल साहब कह रहे हैं कि बहका दिया, और यही आरोप जब बीजेपी जीतती थी तो विपक्षी लगाते थे, तो कहते थे देखिए इनको हमारी जीत पच नहीं रही है, ये कई दफा देखा गया है। अब गणेश जी को दूध पिलाने की पूरे भारत में क्षमता रखने वाले ये कहें कि हमने बहका दिया तो बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जीत की बधाई दी, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना भरोसा हमें दिया, ये वास्तव में भरोसे की ही जीत है। आप याद करें, अभी तो बहुत आपने रिपोर्ट में दिखाया है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा। भाजपा को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, प्रचंड 7 सीटें जीती थी। अमित शाह जी कई बार अपनी जनसभाओं में, कार्यकर्ता सम्मेलनों में कहा करते थे कि 80% से 85% बूथों पर हमारी जीत हुई थी लोकसभा में, तो उनको लगा विधानसभा में हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग आम आदमी पार्टी ने बुलाई थी, उसमें ही एक नारा दे दिया गया था, दिल्ली में तो केजरीवाल। ठीक है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री पद का चुनाव था, संसद का चुनाव था, लोगों ने समझा कि आम आदमी पार्टी तो उतनी बड़ी पार्टी है नहीं, तो इसलिए हमें लोकसभा में मना कर दिया, लेकिन विधानसभा के लिए उनके पास एक ही व्यक्ति था जिस पर वो भरोसा कर सकते थे, जिसको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पुख्ता शब्दों में कह भी दिया, भरोसा उन पर कर सकते थे। जब इन्होंने आतंकवादी बोला, भरोसा उन पर कह सकते थे, आतंकवादी बोला तो हमने साफ कह दिया था, भरोसा उन पर कह सकते हैं कि 20,000 कमरे बनाए, एक भी टीचर को ना रखे, भरोसा भरोसा क्या उन पर कर सकते हैं, भरोसा क्या उन पर कर सकते हैं जो सर्जिल स्टार पे प्रश्न करे, भरोसा क्या उन पर, भरोसा क्या, तो हमने कह दिया कि अभी दिल्ली की जनता फैसला करेगी, आप तो ध्रुवीकरण करके, आप ध्रुवीकरण करके ये बात कह रहे हैं, या आपके बेटे की तरह आपकी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं? मुझे एक बात बताएं, देखिए गोयल साहब, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब आप अपने वोट नहीं बढ़वा पाएंगे, वोट बढ़वाने से 20,000 कमरों की बात आपने की है, आपने टीचर कितने रखे हैं? मैं बता रहा हूँ, 20,000 कमरे बनाए, टीचर कितने रखे हैं? विद्यार्थी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? कमरे खाली नहीं पड़े हैं?
आपने अब अगर विद्यार्थी वहाँ बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षक भी उसमें जा रहे हैं। टीचर कहाँ, कितने टीचर, टीचर स्टूडेंट रेशियो हमने इतना मेंटेन किया है, कोई मेंटेन नहीं है कि 96% रिजल्ट आया है सरकारी स्कूल के बच्चों का। बच्चों की संख्या क्यों घटी? सरकार की वेबसाइट कह रही है बच्चों में संख्या क्यों घटी? बच्चे बड़े हैं, संख्या क्यों घटी? आपके बोलने का आपकी संख्या घटी? आप गए होते दिल्ली की जनता को बताया होता आपके आपने बच्चों की आम आदमी पार्टी की सरकार पोल खोलनी चाहिए थी सर आपके, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। अरे आप कम से कम जनादेश का सम्मान कर लीजिए, शांत हो जाइए और इस हार को रमेश शालीनता के साथ स्वीकार कर लीजिए। हम ईवीएम का दोष नहीं दे रहे, अरे हम हारते तो ईवीएम का दोष आप कैसे दे सकते हैं? आप लोग ईवीएम को दोष देते हैं, हम जनता की जनता को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी वजह बताओ। हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम वोट परसेंटेज पर जीते हैं। जीरो था पहले दिन से, परसेंटेज पर जीते हैं। आप मुद्दों की बात नहीं करना चाहते थे, नहीं था मुझे तो आश्चर्य हुआ, आपका नहीं था सर। आप ये बोल रहे थे बटन ऐसा दबाना कि करंट कहीं पहुंच जाए। अरे तो शाहीनबाग किसने दबा रहा? शाहीनबाग बटन दबाया सर कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय तक वो करंट पहुंच गया होगा। आपने मुसलमानों को बहकाया, आपने उनको बहकाया, प्रधानमंत्री जी का बयान कोई आया ना, गृह मंत्री जी का बयान कोई आया, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी सुबह बोल के कहां छिप गए पता नहीं चल रहा। समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश का नेता राष्ट्रीय स्तर पर आए तो सही, और बुला लीजिए प्रकाश जावड़ेकर जी को जो आकर के कह गए थे कि भाई आतंकवादी है, आतंकवादी है, क्यों नहीं आ रहे प्रकाश जावड़ेकर सामने मैदान में? आतंकवादी है, क्यों नहीं आ रहे आपके तिवारी जी सामने मैदान में? गैंग के समर्थन करेगा, छिपा कर बैठ गए जाएगा, जो जाने का समर्थन करेगा ना वो उग्रवादी आतंकवादी उसको कहेंगे। एक मिनट रुकिएगा श्रीवास्तव जी, क्या फर्क मानते हैं आप कि आप जनता को समझा पाए, अपने काम को बता पाए और बीजेपी वाले नहीं कर पाए? देखिए साहब, सबसे क्या फर्क है दोनों पार्टियों के बीच में? बड़ा फर्क, क्योंकि एक देश की बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी बीजेपी है, और एक 8 साल पुरानी पार्टी, 7 साल पुरानी पार्टी। देखिए सबसे बड़ा फर्क जो आपको मैं बताऊं वो ये है, वादा, इरादा और काम करके दिखाना। हमारा जो भी काम है, हमने तो स्पष्ट कहा कि हमने मैनिफेस्टो के 70% वादे ही पूरे किए। हमारा जो भी काम है जनता को दिखाई दे रहा है। हम सहमत नहीं है, गलत बात। भाजपा जो भाजपा का है, वादा है, इरादा है। मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि भाई ऐसा है, शालीनता से जिस तरह आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हार स्वीकार की, हार स्वीकार कीजिए और आइए साथ में मिल करके काम करते हैं। कांग्रेस तो रेस से बाहर हो गई है। अब सवाल उठता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो कि हम भाजपा और कांग्रेस से अलग साबित हुए? मैं फिर वही कहूँगा कि हमने जो काम करके दिखाया, हमने जनता को कहा, साफ कहा कि भाई ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। विरोधी पक्ष हमारी गलतियाँ गिनवा रहा था, हम उसका लगातार जवाब दे रहे थे, लेकिन एक जो चीज पूरे चुनाव प्रचार में निकल करके आई, जैसे मनोज जी भी अभी बोल रहे थे कि बड़ा गर्जन तर्जन हुआ, आप आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता का ऐसा बयान दिखा दीजिए जिसमें कि हमने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कटाक्ष किया हो जो कि जनता तक के दिल को चीर जाए। हमें आतंकवादी कहा गया, हमें नक्सली कहा गया, हमें बाहरी कहा गया, हमें अधार्मिक कहा गया, हमें सांप्रदायिकता फैलाने वाला कहा गया, लेकिन हमने दिल्ली के चुनाव को मुद्दों पर रखा। थोड़ा सा अनिल गोयल जी के पास हम जा रहे हैं। गोयल जी कैसे डिफेंड करिएगा जिस तरीके से एक तरफ बात हो रही थी सड़क की, बिजली की, पानी की, अस्पताल की, स्कूल की, लेकिन दूसरी तरफ बात हो रही थी शाहीनबाग, आतंकी, पाकिस्तान और राम मंदिर, 370? क्या लगा कि ये सड़क वाले मुद्दे ज्यादा भारी रहे? पंकज जी, सही बात तो ये है कि ये वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गए और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाने में कामयाब हो गए। सही बात ये है कि मैं फिर भी एक बात कहती हूँ, हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, दुगनी से ज़्यादा हमारी सीटें आई हैं। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस इतनी ज़्यादा बैठ जाएगी, जो लोकसभा चुनाव में सेकेंड नंबर की, दूसरे नंबर की पार्टी थी, आम आदमी तीसरे नंबर पर थी, और कांग्रेस जमानतें जब्त कराएगी 68% सीटों पर, 68 सीटों पर जमानत जब्त कराएगी। जो बात हमने कही यानी कि आप कांग्रेस को यही, जैसे इन्होंने कहा, सोच नहीं सकते। पहले दूसरी बात, काहे की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? अरे रमेश जी आप ये जो है बीजेपी अच्छा कर रही है, रमेश जी आप कैसे हमें कहते रहे हैं कि हम उनकी बार-बार नहीं थी,
अरे आप उनकी मीटिंग में आप उनके प्रदर्शन पे उम्मीद लगाए बैठे थे। समय समाप्त हुआ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल गोयल साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से, क्योंकि ये बार बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कहते रहे कि दिलों में राज तो आम आदमी पार्टी का है, हमारा है, मैं दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को विश्वास नहीं हुआ इस बात पर, लेकिन आज जनता ने मोहर लगा दी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी। फेस टू फेस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।